Now next example again from test your C skills books by S1 connect curve. In that case, just pucha kya gaya, what is the applications of pointer, what is the application areas of pointers. इस केस में जस्ट एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, मींस किस किस केस में आपके लिए पॉइंटर यूजफुल कॉन्सेप्ट. मींस अभी तक आपने पॉइंटर्स के सारे प्रॉपर्टी तो सीखे लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि पॉइंटर्स का जस्ट यूज क्या है, इसको यूज क्यों करते हैं, पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट और पॉपुलर टॉपिक क्यों है, इसका मेन रीजन क्या है. फर्स्ट केस वन बाई वन डिस्कस करेंगे. एक्सेसिंग एरे और स्ट्रिंग एलिमेंट्स जनरली क्या रहता है, मींस जब भी अगर आपके पास कोई एरे के अंदर के एलिमेंट्स अवेलेबल, एरे के एलिमेंट्स को जस्ट आप लूप के थ्रू इटरेट कैसे करते हैं, सिक्वेंस. बट सपोज अगर आपको रैंडमली कोई एलिमेंट एक्सेस करना, देन पॉइंटर्स के थ्रू रैंडमली कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना पॉसिबल, बिकॉज इट विल प्रोवाइड्स रैंडम एक्सेस. रैंडम एक्सेस का एडवांटेज क्या, मींस किसी भी कॉन्स्टेंट टाइम में डायरेक्टली किसी भी रिक्वायर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना पॉसिबल. क्लियर. दूसरा केस जस्ट इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या इस पॉइंट का, मीन्स आपको पता होना चाहिए एरे के अंदर किसी भी एरे के पर्टिकुलर रिक्वायर्ड एलिमेंट को एक्सेस करने का वे क्या होता है, ए ऑफ आई. लेकिन जस्ट मैंने प्रीवियस सारे सारे एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, ए ऑफ आई कभी डायरेक्टली प्रोसेस होता है पॉइंटर्स के फॉर्म में, पॉइंटर्स के फॉर्म में. मीन्स एरे और स्ट्रिंग भी इंटरनली प्रोसेस किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स. तो इसका इक्विवेलेंट जस्ट कन्वर्जन क्या रहता है, स्टार ए प्लस आई. तो जस्ट पॉइंटर का फर्स्ट बेसिक यूज क्या है, एक्सेसिंग एरे और स्ट्रिंग एलिमेंट्स यूजिंग दैट एक्सप्रेशन. क्लियर. सेकेंड केस इन पासिंग बिग ऑब्जेक्ट्स लाइक एरे स्ट्रिंग्स एंड डेटा स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग पॉइंटर्स. मीन्स जब भी किसी मीन्स इस केस में जस्ट इसका इंपॉर्टेंट मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा जस्ट अभी. मीन्स व्हाट इज द अनदर यूज इन पासिंग बिग ऑब्जेक्ट्स लाइक एरे लाइक स्ट्रिंग्स और स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स टू अ फंक्शंस. मीन्स किसी भी फंक्शंस के रिस्पेक्ट में बात करें, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अगर आपके पास टू फंक्शंस अवेलेबल हैं, वॉइड इस सिंपल बेसिक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करना है. इस केस में एक कोई फंक्शन इंप्लीमेंट किया मैंने void main, पहले मैं स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसके केस में ब्रॉड एग्जाम्पल सो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इस मेन फंक्शन के अंदर मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया डबल टाइप, इस वेरिएबल का टाइप क्या है, इट इज अ डबल वेरिएबल d प्लस इस केस में कोई वैल्यू साइन किया समथिंग 2.5 और सम यूजफुल डेटा लाइक दैट. देन मेरे पास कोई फंक्शन अवेलेबल है m1. जस्ट इस फंक्शन के केस में मुझे परफॉर्म क्या कराना है, कैलकुलेट कराना है स्क्वायर ऑफ दिस वेरिएबल डी. रिटर्न के मीन्स इस किसी फंक्शन से कैलकुलेट क्या कराना है, स्क्वायर ऑफ डी. स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए जस्ट मैं अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कराऊंगा, इसमें सप्लाई क्या कर दोगे आप, डी. क्लियर. देन इसका जो भी रिजल्ट आएगा असाइन करा लेंगे वाट एवर रिमेनिंग पार्ट. फाइनली आपको कॉन्सेंट्रेट करना दिस फंक्शन आर्ग्यूमेंट. तो मीन्स इस फंक्शन के केस में आर्ग्यूमेंट में क्या पास किया, डी, और डी का टाइप क्या, जस्ट डबल. क्लियर. देन जब इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे इसे रिटर्न क्या हुआ, स्क्वायर. तो स्क्वायर मीन्स डबल का स्क्वायर भी किस फॉर्म में आएगा, ऑल्सो डबल. रिटर्न टाइप एज डबल, फंक्शन नेम एज वी आर यूजिंग एज स्क्वायर. कुछ नहीं इस केस में, फंक्शन के केस में आपको आर्ग्यूमेंट टाइप क्या लेना होगा, जस्ट डबल टाइप. क्या है डी का टाइप क्या है, डबल. तो इस केस में वेरिएबल यूज करा जाए डबल, देन वेरिएबल नेम एज पी. जस्ट इस केस में आप राइट डाउन कर सकते हो रिटर्न रिजल्ट. तो रिटर्न क्या कराओगे इस केस में, रिटर्न पी मल्टीप्लाई बाई पी. इज दैट क्लियर. देन अब इस केस में चेक कर सकते हो इसके में जैसे पर्टिकुलर फंक्शन डिक्लेरेशंस के ड्रॉबैक्स क्या हैं. इन दैट केस जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्या क्रिएट हो रहा है, डी. वेरिएबल क्या क्रिएट हो रहा है, डी. तो डी के केस में वैल्यू क्या, वाट एवर. लेकिन डी का साइज क्या है इस केस में, व्हाट इज द साइज ऑफ डबल, 8 bytes. तो इस केस में इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने bytes एलोकेट होंगे, जस्ट 8 bytes. नेक्स्ट वन, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो स्क्वायर फंक्शन के अंदर अगेन लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा पी. पी के केस में आसान किया जाएगा सेम वैल्यू. तो पी के रिस्पेक्ट में अगेन कितने बाइट्स से एलोकेट होंगे, ऑल्सो 8 bytes. क्योंकि पी का भी साइज क्या है इसके, इसमें ऑल टू डबल. तो सिर्फ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए लोकल वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में कितने बाइट्स से एलोकेट हुए, 8 bytes फॉर मैन, 8 bytes फॉर स्क्वायर. मीन फाइनली टोटल कितने बाइट्स से एलोकेट हुए, 16 bytes विदाउट यूजिंग पॉइंटर्स. बट सपोज द सेकेंड केस, इस फाइनली स्पेस पर आपको एक्सेस क्या करना था, वैल्यू ऑफ डी. वैल्यू ऑफ डी के केस में इस पी को सिंपली डबल वेरिएबल ना बना के इसको क्रिएट किया ने एज अ डबल पॉइंटर. इसका टाइप क्या लिया एज अ डबल पॉइंटर. तो इस प्लेस पर आप सप्लाई क्या करा हुए, एड्रेस ऑफ डी. क्लियर. तो इस केस में अगेन जब ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हुआ तो डी के केस में कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, 8 bytes. लेकिन आप चेक कर सकते हो डबल मीन स्क्वायर फंक्शन के अंदर पी क्या है, डबल टाइप ऑफ वेरिएबल और डबल पॉइंटर. डबल पॉइंटर किसी भी टाइप का, पॉइंटर का साइज क्या होता है, 2 bytes.
तो इस केस में जस्ट पी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, ओनली 2 बाइट्स। प्रीवियस केस में आपने देखा था टोटल बाइट्स कितने रिक्वायर्ड थे, 8 बाइट्स फॉर मेन फंक्शन एंड 8 बाइट्स फॉर स्कर्मीज, टोटल साइज कितना रिक्वायर्ड हुआ आपको 16 बाइट। लेकिन करंटली मेन के अंदर कितने बाइट्स एलोकेट हुए, 8 बाइट्स, प्लस स्क्वायर फंक्शन के अंदर पी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट हुए, 2 बाइट्स बिकॉज ऑफ पॉइंटर। तो प्रीवियस केस में जिस प्लेस पर आपको 16 बाइट्स रिक्वायर्ड थे, इस केस में ओनली सेम टास्क आपके लिए 10 बाइट्स में परफॉर्म करना पॉसिबल है। देन इस केस में जब डी का वैल्यू एक्सेस करोगे, इस केस में जस्ट राइट डाउन क्या कर सकते हो, स्टार पी मल्टीप्लाई बाई स्टार पी लाइक दैट, रिजल्ट कैसा आएगा सेम। लेकिन इस केस में आपने जस्ट कितने बाइट्स सेव किए, 6 एक्स्ट्रा बाइट्स। नहीं, अभी तो मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल केस यूज किया था, बट सपोज दैट अगर आपके पास इस मेन फंक्शन के अंदर कोई एरे अवेलेबल है, लाइक एरे, समझो इसे एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1000 एलिमेंट्स, सपोज दैट इसे एरे का साइज क्या है, 1000 और 10,000 बाइट्स। करेंटली मेन फंक्शन के अंदर इस एरे के लिए कितने बाइट्स एलोकेट हुए हैं, 10,000 बाइट्स। सेम एज मैंने कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया समथिंग एम1, इसे एरे को आप कंसीडर कर सकते हो लाइक ऑब्जेक्ट्स। कोई फंक्शन क्रिएट किया m1 और m1 के अंदर मैंने एरे पास किया, अगर एरे एज ए कॉल बाई वैल्यू पास होता है तो इसे एरे को स्टोर कराने के लिए अगेन नेक्स्ट टारगेट फंक्शन के अंदर अगेन रिक्वायर्ड क्या होगा, एरे। तो सपोज दैट इस फंक्शन के अंदर एरे आर्गुमेंट मैंने एक और एरे क्रिएट किया, अगर इसे एरे का भी साइज अगेन क्या है 10,000, तो इस केस में रियल केस में इसे एरे का भी साइज 10,000 बाइट्स होता है, देन इस केस में टोटल स्पेस कितना एलोकेट होगा, 10,000 बाइट्स फॉर मेन फंक्शन, 10,000 बाइट्स फॉर m1, तो टोटल साइज कितना हुआ 20,000 बाइट्स, 10,000 फॉर m1, तो टोटल कितना हुआ 20,000 बाइट्स। लेकिन सपोज दैट इस केस में आपको ऑलरेडी पता है जब भी एरे किसी फंक्शन में पास करते हैं तो स्पेस पर डिक्लेरेशन कन्वर्ट किस में हो जाता है, जस्ट पॉइंटर में। अगर ये डिक्लेरेशन पॉइंटर में कन्वर्ट हो रहा है तो पॉइंटर के रिस्पेक्ट में मेन के अंदर कितने बाइट्स एलोकेट हुए, 10,000 बाइट्स। लेकिन सेम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए m1 फंक्शन के अंदर अगर पॉइंटर क्रिएट कराया है तो पॉइंटर के लिए कितने बाइट्स एलोकेट हुए, जस्ट 2 बाइट्स। तो अगेन इस केस में आपने कितने बाइट्स सेव किए, नियर अबाउट 9,998 बाइट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ पॉइंटर्स, क्लियर। इस पॉइंटर्स के थ्रू इन पासिंग बिग ऑब्जेक्ट्स लाइक एरे, स्ट्रिंग्स और स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट टू द फंक्शंस, इज अनदर एडवांटेज। सेम है जब आप कोई स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, अगर किसी स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का साइज क्या है 1000 बाइट्स, अगर ये ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट पास करो तो दोनों ही फंक्शन में कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है, 1000 प्लस 1000। लेकिन अब अगर सपोज दैट आपने स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट पास नहीं करके स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास किया है, एड्रेस के केस में कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है, ओनली 2 बाइट्स। तो अगेन आप कितने बाइट्स सेव करो, 998, क्लियर। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ पॉइंटर्स, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जब भी आप डायनेमिकली मेमोरी स्पेस एलोकेट कराते हो तो डायनेमिक मेमोरी स्पेस एलोकेट कराने के लिए जस्ट यूज क्या होता है, ऑलवेज आइदर मेलॉक, केलॉक और रियलॉक फंक्शन। जस्ट मैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नेक्स्ट कमिंग क्लास में डिस्कस करूंगा इन डिटेल्स, अभी जस्ट मैं बेसिक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ। मीन्स व्हाट इज द यूज ऑफ दैट केस, मीन्स अगर आपने डायनेमिकली कोई मेमोरी स्पेस एलोकेट करा तो डायनेमिकली स्पेस एलोकेट कराने के लिए यूज क्या करते हैं, मेलॉक, और मेलॉक के थ्रू। मीन्स अगर आपने कोई डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया इंट एक्स, तो एक्स के केस में एलोकेट कितने बाइट्स होंगे, आइदर 2 बाइट्स और 4 बाइट्स, मीन्स फिक्स्ड टाइप है एलोकेशन का स्टैटिक। अगर आपको 1000 बाइट्स रिक्वायर्ड है, एन बाइट्स रिक्वायर्ड है, रन टाइम पर स्प्लेस पर पास क्या करो, एन बाइट्स। अगर मुझे 2 बाइट्स रिक्वायर्ड है तो पास क्या कर सकते हो, 2 बाइट्स। तो इसके साथ मेलॉक फंक्शन कितने बाइट्स एलोकेट करेगा, जस्ट ब्लॉक ऑफ 2 बाइट्स। अगर फर्स्ट बाइट का एड्रेस 100 है, नेक्स्ट बाइट का एड्रेस क्या है 101। इस केस में जस्ट मैंने वेरिएबल क्रिएट किया था इंट एक्स इक्वल्स टू 10 और एक्स का टाइप क्या है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। इस केस में कोई लोकेशन क्रिएट होगा, इस लोकेशन में आसान क्या हो जाएगा, वैल्यू एज 10, एड्रेस समथिंग 100 और 101, मीन्स 2 बाइट्स है, क्लियर। लेकिन जब मेलॉक के थ्रू इस केस में तो आप श्योर थे जो भी लोकेशन क्रिएट हुआ उस लोकेशन का नेम क्या है, एक्स। इस प्लेस को एक्सेस करने के आपके पास वे कितने, यूजिंग वेरिएबल नेम, यूजिंग वेरिएबल एड्रेस, मीन्स 2 अप्रोच, यूजिंग वेरिएबल नेम, यूजिंग पॉइंटर्स। लेकिन मेलॉक के केस में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब भी स्पेस एलोकेट कराओ तो इस केस में इस एक्सप्रेशन को देखकर बताना पॉसिबल है इस केस में एक्स लोकेशन का नेम क्या क्रिएट होगा, नेवर पॉसिबल। रीजन क्यों, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में कभी भी कोई लॉजिकल नेम क्रिएट ही नहीं होता, तो इस केस में एक्सेस करने का एक ही अप्रोच है, यूजिंग एड्रेस, और एड्रेस के थ्रू एक्सेस करने का मतलब क्या, यूजिंग पॉइंटर। दिस इज द अनदर यूज ऑफ पॉइंटर इन केस ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। जब भी आप डायनेमिकली मेमोरी स्पेस एलोकेट कराओ तो इस डायनेमिक प्लेस को ऑलवेज एक्सेस कैसे करेंगे,
यूजिंग पॉइंटर वेरिएबल्स, क्लियर। क्योंकि इस केस में मैलॉक फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, क्रिएटेड प्लेस का एड्रेस, देन इस पॉइंटर की हेल्प से पॉइंटर में क्या समझ जाएगा समथिंग 100, देन पॉइंट इस लोकेशन को पॉइंट करेगा, इसका नेम क्या क्रिएट हो जाए स्टार पीडिया। तो इस लोकेशन को एक्सेस कैसे करा, यूजिंग अगेन पॉइंटर्स। नेक्स्ट वन, कॉल वाई रेफरेंस, ऑलरेडी आप चेक कर चुके हो, जब भी किसी वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन सिचुएशन को नेम किया देते हैं एज अ कॉल वाई रेफरेंस, और कॉल वाई रेफरेंस का जस्ट यूज किया, जनरली क्या रहता है अगर आपके पास कोई फंक्शन अवेलेबल है लाइक दैट वॉइड m1 के अंदर मैंने क्रिएट किया सम वेरिएबल एज इंट एक्स इक्वल्स टू 10, क्लियर, वी वांट टू परफॉर्मिंग स्क्वायर ऑफ x, और x का स्क्वायर अगेन x में ही स्टोर करना चाहता हूँ, इसके लिए मैंने पास किया x लाइक दैट एंड सम अदर कोड। इस केस में मैं यूज क्या कर रहा हूँ, कॉल वाई वैल्यू, x का इस केस में पैरामीटर और आर्गुमेंट, x इज अ एक्चुअल आर्गुमेंट और वी कैन से एक्चुअल पैरामीटर, x इज अ आर्ग्यूमेंट। m1 क्या इस केस में कॉलिंग फंक्शन और m2 क्या इस केस में कॉल्ड फंक्शन, तो जब कॉल्ड फंक्शन m2 कॉल होगा इस प्लेस में मैंने राइट डाउन क्या किया जस्ट इंटीजर वेरिएबल नेम एस पी, देन पी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई पी, इससे कभी मीन्स चेंज किस में हो रहा है आर्ग्यूमेंट में पैरामीटर में, पी इज अ पैरामीटर, तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में बात करें अगर आप पैरामीटर्स में कोई भी चेंजेस करो देन करेस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट्स में कोई भी चेंजेस हो गया नेवर, क्यों इस केस में जस्ट परफॉर्म किया हुआ कॉल वाई रेफरेंस, कॉल वाई वैल्यू, अगर मैं इस केस में एक्स पास ना करके एक्स के प्लेस पर एक्स का एड्रेस पास करता हूँ देन पी क्या यूज करो, पी इज अ पॉइंटर, देन इस केस में अब पर्टिकुलर केस कैसा रहेगा वैलिड और इनवैलिड, इस टाइप से कॉल वाई रेफरेंस के थ्रू एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर्स के थ्रू चेंज कराना पॉसिबल है, दिस इज द अनदर यूज ऑफ कॉल वाई रेफरेंस। तो जब भी आप कॉल वाई रेफरेंस किसी फंक्शन को कॉल कर दो तो अगेन पैरामीटर किस टाइप पर रिक्वायर्ड, ऑलवेज पॉइंटर, दिस इज द अनदर यूज ऑफ पॉइंटर। नेक्स्ट वन, लास्ट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, आपको बताना चाहिए कंप्यूटर साइंस में सबसे लॉजिकल और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है, डेटा स्ट्रक्चर। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को जस्ट आप मैनेज कर दो तो डेटा स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए भी ऑलवेज आप यूज करें तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, और जहाँ भी वर्ड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वर्ड यूज होता है वहाँ ऑलवेज आपको रिक्वायर्ड क्या होगा पॉइंटर्स। बिगर डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए लाइक अ लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ और सम अदर डेटा स्ट्रक्चर, इनको क्रिएट करने के लिए ऑलवेज आप यूज क्या करोगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑलवेज आपको रिक्वायर्ड क्या होगा अगेन पॉइंटर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एरियाज ऑफ पॉइंटर्स।